हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं राजीव अवस्थी आपको मैथ के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं और इनको देख के आपको कन्फ्यूजन होता है। इनमें आप द्वितीय घात की सर्वसमकाल का उपयोग करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट या सीधे सीधे हल करना चाहें तो हम कल हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय एक समय व्यक्त होगा। इसको समय को बचाने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को रखता है। इनमें आप द्विघात समीकरण सर्वसमिकाओं का उपयोग करके काफ़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा एक पहला क्वेश्चन है 3.63 पावर 2 - 2.637 पावर 2 अपॉन 3.67 + 2.37। दोस्तों वैसे इसको हम हल कर सकते हैं, इनका वर्ग निकालना है, इसमें काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इनकी जो ट्रिक होती है, इनकी वो ट्रिक है वो द्विघात सर्वसमिकाएँ होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी a + b² - a - b² और a² - b² कौन कौन सी वाली सर्वसमिकाएँ, मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। a + b² इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। a - b² और a² - b² ये तो बहुत ही प्रसिद्ध सर्वसमिका है जिसका मान a + b और a - b होता है। ये गुणनखंड में, ये बीजी व्यंजकों के गुणनखंड में भी इसका बहुत उपयोग होता है, कैलकुलेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और इवेल्युएशन में। अभी हम जो इवेल्युएशन कर रहे हैं यहाँ पर वही है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको एक काम कीजिएगा, हमारी तरफ से 3.67 को आप ए मान लीजिएगा और 2.37 को आप वी, और इनको इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो आपका इक्वेशन इस तरह से बन जाता है a² - b² / a + b। अब आप a² - b² में सर्वसमिका का उपयोग करेंगे। कौन सी वाली, जो सर्वसमिका हमने आपको बताई है, उस सर्वसमिका का आप यहाँ पर उपयोग करेंगे, यानी a² - b² की वैल्यू हो जाएगी a + b और a - b अपान में आपके पास ऑलरेडी a + b मौजूद है और ये a + b को खारिज कर देगा। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर बचता है a - b और आपको चाहिए आपका अपना आंसर नंबर में। तो जो हमने इनकी वैल्यू मानी थी वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 3.63 और -2.37। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 3 से 7 माइनस करना है तो आप यहाँ पर कैरी करेंगे, 13 में से 7 6 हुआ, ये रहा आपका 5 में से 3 माइनस किया आपका 2 आ गया और 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, तो आपका आंसर आएगा 1.26। इनकी क्वेश्चंस को स्क्वायर लेके दोनों का स्क्वायर निकालना, फिर इनको सब्ट्रैक्शन करना, बाद में इन दोनों को जोड़ के इसके भाग देना, इसमें काफ़ी समय व्यतीत होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस हुआ करते हैं और इसमें पावर, कभी कभी पावर 3 वाले भी क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि पावर 2 वाले ही क्वेश्चन हो, चूँकि इस समय इस क्वेश्चन में घात 2 की सर्वसमिका का उपयोग किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें घात 3 का भी उपयोग किया गया है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में आप देखेंगे 3.572 + 2.428 / 3.572 - 3.572 - 2.428। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस की तरह 3.572 की जगह आप क्या लिखेंगे, ए, और दूसरा जो है 2.428 इसको आप बी मान लेंगे। अब जहाँ जहाँ भी आपका 3.572 लिखा है वहाँ आप ए लिखेंगे और जहाँ 2.428 लिखा है वहाँ पे आप बी लिखेंगे, तो आपका इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। देखिएगा, a³ + b³ / a² - a (b) + b²। अगर आपको इस सर्वसमिका याद है तो इसके आप मान लगा दीजिएगा, a³ + b³ = a+b, एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a² - ab + b²। इसको आपने, और नीचे जो लिखा हुआ है वो आपके पास ऑलरेडी है, a² - ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर और कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सबसमिकाओं का खेल है। आपको स्टेटमेंट देख के ये पहचान करना है कि कौन सी सबसमिका का यहाँ पर उपयोग किया गया है। अब आप देखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस स्क्वायर सेम स्टेटमेंट है, दोनों आपसे विभाजित हो जाएंगे एक दूसरे से और आपके पास सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। और अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए की वैल्यू आपके पास है 3.572 और प्लस 2.428। अब आप इनको प्लस कर दीजिएगा, 2 और 8 प्लस किया 0, 72910 और 54910, 325 और केरी 166.000। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान था जो कि देखने में आपको कठिन लग रहा था। तो यहाँ पर आपको स्ट्रांगली सर्वसमकाएँ अच्छे से याद होनी चाहिए और कोई भी सर्वसमका का प्रयोग हो सकता है। ये कैसे जानेंगे, ये उनकी घातांक को देख करके इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ नए तरह का है आपसे, क्वेश्चन तो वही है, सर्वसमका का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए जैसे 2.3 लिखा हुआ है आपके सामने, तो आप 2.3 को ए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे में पावर 3 नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान से देखने पर ये घन संख्या है, वो घन से किसका है, 3 का घन है, क्योंकि दशमलव संख्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 0.027, इसको आप बी क्यूब मानते हैं। अब बी क्यूब मानेंगे तो यहाँ से बी का मान जो निकल के आएगा वो इक्वल टू 0.3 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका घनमूल निकाल सकते हैं, 27/1000, इसका घनमूल निकल के आएगा 3/10 यानी 0.3। अब आप इसको एडजस्ट कीजिए, जो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका एनालिसिस कीजिए। देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, पहला पद तो आपका सिंपली ए की घात 3 ए क्यूब हो गया, दूसरा अभी आपको बता दिया हमने, इसको हमने बी क्यूब माना था, माइनस बी क्यूब। अब फर्स्ट टर्म यानी ए का स्क्वायर, 2.3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69 आ जाएगा, क्योंकि दो अंकों के बाद दशमलव चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपका प्लस ए इंटू बी हो गया और फिर प्लस 0.09 और 0.3 का स्क्वायर 0.09 होगा। तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए कुछ पदों को यहाँ पर गुप्त रख दिया गया, उनको सरल करके लिख दिया गया। अब आपका देखिए यहाँ पर सर्वसमका का पहले, अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्वसमका का थी, यहाँ पर आपकी ए माइनस बी की। इसको जब एक्सपेंशन करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वही आप दोबारा लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैंने बताया कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन जानबूझ के बनाए जाते हैं, लेकिन बस ट्रिक पकड़नी होती है, इनको सॉल्व करना नहीं होता है आपको। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपने सॉल्व कर दिया, आपको ट्रिक समझ में आ गई, अब आपके पास सॉल्यूशन के लिए लास्ट में क्या बचा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी में क्या करेंगे आप, सबसे पहले 2.3 और माइनस 0.3 इसको आपने सॉल्व कर दिया और आपके पास एक आंसर आया 2.0। ये रहा आपका टेक्निकल क्वेश्चन और ये अक्सर परीक्षाओं में एग्जामिनर की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि इनसे स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको सॉल्व भी करना है, इनमें कोई ट्रिक लगानी है। तो इससे आपको कैलकुलेशन भी आपकी देख लेते हैं, वो जांच कर लेते हैं और साथ में आपकी नॉलेज, आपको फंडामेंटल्स कितनी आते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 0.73 और 0.27 सेम वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लीजिएगा। करना क्या है आपको, 0.73 इज इक्वल टू ए और 0.27 इज इक्वल टू बी, पुट कीजिए इनकी वैल्यू तो आपका स्टेटमेंट बनता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब इसको आप, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही उपयोग था, अब ये सर्वसमका का विस्तार आपका होगा, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्रम भिन्न नियम से ये जो माइनस ए बी है इसको आप बीच में ले सकते हैं, ये ए प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों ही बराबर व्यंजक हैं, इनका आपस में भाग लग जाएगा, ये कट जाएंगे और आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का आप मान लगा देते हैं 0.73 प्लस 0.27, और इनका जो आपने प्लस किया तो आपकी वैल्यू 370.72910.1.00। ये रहा आपका दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको किसी तरह की अगर कोई क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा, हम आपके अनुसार वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।